राघोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बावड़ी खेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बावड़ी खेड़ा विकास खंड राघोगढ़ के ये शासकीय विद्यालय का इस स्कूल की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छत से मलबा टपक रहा है, विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं है। शासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही इस स्कूल में देखने को मिल रही है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्कूल के हालात क्या हैं। मेरा नाम अजय सिंह लोधा है। हाँ, तो मतलब ये स्कूल इतना इतना क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसके बारे इसकी सूचना नहीं, उक्त अधिकारियों को सूचना नहीं मिली क्या? इसकी सूचना हम लगातार विगत कई वर्षों से देते चले आ रहे हैं, हाँ, लेकिन इस पे किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार भी दिया है, बोलते हैं प्रस्ताव बना भेज दिया है, लेकिन साल दर साल ऐसे बारिश होती है और कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। बच्चे पढ़ने आने में बैठाने में भी हमें बहुत परेशानी होती है। हाँ, तो इसकी मतलब उक्त अधिकारियों को कौन कौन को मतलब आपने सूचना दिए? डीआरसी महोदय को दे दिए, तीन चार बार लिखित में डीओ महोदय को भी जाती है, इसकी जानकारी डीआरसी महोदय के द्वारा डीओ ऑफिस में भी भेज दी जाती है, प्रस्ताव बन जाते हैं, लेकिन फिर कोई भी काम नहीं होता है। बच्चे भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। बच्चे क्या है कि ऐसे में हमें बिठाने में बड़ी परेशानी होती है, उतने ही बच्चों को बिठाते हैं जितने मतलब जगह है यहाँ पे। छत गिरने की आशंका बनी रहती है, माँ बाप डरे हुए रहते हैं कि भेजें कि नहीं भेजें। हाँ, सही बात है। चलो ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।